की बात करते हैं तो मुख्यतः दो सेक्टर हैं जिनका नाम हमारे जेहन में आता है, वो है मौन पालन और मशरूम की खेती। इनसे हम किसानों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इटालियन मधुमक्खी के ऊपर है, उसी के ऊपर शोध होगा, उसी के ऊपर प्रचार प्रसार होगा, जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। अपनी तरह का एक अनोखा प्रोजेक्ट है, यहाँ तक कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को आगे रखते हुए और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे रखते हुए रूरल उत्तराखंड में किस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी को लाया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। Agricultural Sciences Company, we have a mandate, right? It's compulsory for us to tackle these issues to help the farmers grow more on the land that they already have. आप कंपेयर करेंगे चाइना से, यूएस से, बाकी देशों से, बहुत आगे बढ़ने की क्षमता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो जब अच्छे प्रोडक्ट आएंगे, किसानों को अच्छे तरीके से उन्हें नॉलेज ट्रांसफ़र होगा, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे किसान, और इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो महिला किसानों की क्षमता बढ़ाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने देश में जो एग्रीकल्चर का फील्ड है वो अपने ओवरऑल देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, बड़ा योगदान होगा इसका। समझे, आपने नीली क्रांति, हरी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति सुना होगा, ये मधु क्रांति है, स्वीट रिवोल्यूशन, जिसकी परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत में की गई है। स्किल डेवलपमेंट तो एक बात है, एक कंपोनेंट अभी है कि नहीं है मेरे लिहाज से होना चाहिए कि जितने आप जिनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे नेचुरली वो अच्छा हनी प्रोड्यूस करेंगे या और कोई प्रोडक्ट करेंगे। समस्या है उनके उनकी मार्केटिंग नहीं होती है, प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। स्टूडेंट स्टाफ मेंबर जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है इस प्रोग्राम को संचालित करने में, थैंक यू।